सिंगरौली में पुलिस ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंगरौली के कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर जब्त करने के साथ ही रेत परिवहन में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मझोली गांव के नाले से अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा रेत परिवहन की जानकारी मुखबिर से पुलिस को मिली थी। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को ट्रैक्टर के साथ पकड़ा। आज दिनांक को पुलिस को मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध रेत का उत्खनन ग्राम मझोली के पास म्यार नदी से कर रहे हैं, जिस पर एक विशेष टीम मौके के लिए रवाना की गई और उस टीम द्वारा रेड कार्यवाही की गई, जिस पर 3 ट्रैक्टर जो कि तीनों ट्रैक्टर स्वराज कंपनी के हैं और तीनों ट्रैक्टर के चालक जो क्रमशः सुरेंद्र कौर, बबलू रावत, अखिलेश कुमार प्रजापति हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पजेसों से ट्रैक्टर रेत भरा हुआ जब्त किया गया और संबंधित ट्रैक्टर के मालिकों को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और सभी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।